भिंड पुलिस ने अवैध हथियारों के जखीरे के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश। विकास दुबे गैंग से खरीदी गई बंदूक के साथ पूर्व में भी पकड़ा गया था आरोपी आकाश उर्फ जग्गू। भिंड एसपी मनोज कुमार के निर्देश, सीएसपी आनंद राय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रामबाबू सिंह यादव के नेतृत्व में वाहन चेकिंग के दौरान आरोपी ऋषभ भदूरिया को एक देशी कट्टा और राउंड के साथ गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि इसकी पूछताछ और मुखबिर की सूचना पर दुआ ने आरोपी आकाश उर्फ जग्गू कुशवाहा और राकेश उर्फ कालिया जाटव को आईटीआई तिराहा के पास से 5 देशी कट्टा, 3 देशी पिस्टल और 6 राउंड के साथ गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी आकाश उर्फ जग्गू पूर्व में थाना देहात में एक 12 बोर की बंदूक के साथ पकड़ा गया था, जो कि उसने विकास दुबे गैंग के सदस्य थे, खरीदी थी। उसी कड़ी में एक अन्य आरोपी अरुण जाटव को भी एक देशी कट्टा राउंड के साथ गिरफ्तार किया गया, जो इसी गैंग का सदस्य है। गैंग से कुल 10 हथियार, कुल कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। कुल 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार शुदा आरोपियों ने बताया कि हथियार खंडवा, खरगोन, उत्तर प्रदेश के कानपुर, अलीगढ़ और अन्य राज्यों से हथियारों की तस्करी होना बताया गया है, जिनका विकास की जा रही है, जिसके आधार पर हथियारों की बरामदगी और अन्य लोगों की गिरफ्तारी होने की संभावना है। गन वायलेंस कम हो और इस वायलेंस को कम करने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है, और इस अभियान के तहत जो है हमें एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें देहात पुलिस द्वारा सीएसपी साहब के निर्देशन में 8 जो है अवैध हथियार पकड़े गए हैं, जिसमें जो जग्गू जैसा आप जानते हैं कि वो पुराना भी छाती बदमाश रहा है, और जो गैंगस्टर यूपी का विकास दुबे था उस केस में भी इसकी गिरफ्तारी हुई थी, जिससे 12 बोर की राइफल बरामद हुई, और ये अभियान सतत जारी है।